माशाल्लाह जी वीवर, अभी अहमद भाई ने मुझे बुलाया था कि जल्दी जल्दी आ जाओ, इधर सरप्राइज होने वाला है। और सरप्राइज देखे, ये आ गया और साथ में ये भी बहुत सारे हैं, छोटे मोटे बड़े नन्हे मुन्ने सारे हैं माशाल्लाह। तो ये सरप्राइज की डिटेल में आपको वीवर, मैं चुनने गया था लेकिन वो पानी की वजह से ना वो ख़त्म हो गया, मतलब जल्दी से पिघल गए, बिल्कुल बारीक बारीक से थे। अल्लाह पाक माफ़ करे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चले भाई, चले शुरू करें। माशाल्लाह हो गई हैं, अजानें हो रही हैं माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह जी, ये देखें निज़ाम काफी प्यारा बना दिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे समझ रहे होंगे मसूर साहब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मसूर साहब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ जी चले जी, चलते हैं दवाई लेने, क्योंकि मैंने दवाई का बोला हुआ है। अहमद भाई चल रहे हैं तो उनके साथ चलते हैं। माशाल्लाह आपने दुआ में ज़रूर याद रखना है, सबसे ज़्यादा मसला जो है ना वो आपके भाई को सीने का हो रहा है। और गाड़ी रेडी है क्या? अच्छा गाड़ी माशाल्लाह जी रेडी खड़ी है। हाँ वाकई में तो मेरी इंतज़ार थी, किधर मैंने बैठना है? इधर यार, वो आगे आप नहीं बैठोगे? कैमरा मैन नहीं नहीं आप बैठ जाओ। ये इधर हम घुस गए हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल अनमर का? तबीयत सेहत कैसी है? अल्लाह की रहमत सेट हो। तुम मोबाइल लेट बन गई थी मैंने। चले जी माशाल्लाह भाई, चलो यार थोड़ा मसला है, सीने का दर्द हो रहा है, मेहरबानी करो जल्दी चलो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घर जाओ घर। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर पहुंच चुके हैं फाटक पे, ये देखें फाटक ऑलरेडी बंद होता है। जब भी मैं आता हूँ हमें जल्दी होती है, मसला मसाइल होता है कोई तबीयत का, तभी बंद होती है। चलो कोई नहीं, ये भी ज़रूरी है, उनकी मजबूरी है। अगर हादसा हो जाता है फिर बोलते हैं फाटक वाले का कसूर है, तो फिरोजा होती है गाड़ी या खानपुर इधर बंद कर देते हैं माशाल्लाह। इतना हिफाजत करते हैं ये लोग। और हादसे भी इस फाटक पे बहुत हुए हैं, जितने भी हमारे आसपास के फाटक हैं सबसे ज़्यादा हादसे इसी फाटक पे होते हैं, हालांकि ये पहले बंद कर देता है। अल्लाह माफ करे। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, खानपुर से होके वापस अपने शुगर मिल चौक पे आ चुके हैं और वो सामने मेडिकल स्टोर है अलमासूम, उधर से चलते हैं और दवाई वगैरह ले आते हैं, क्योंकि जो इधर और बेटर आ जाए जुम्मा तो काफ़ी सारे हस्पताल वगैरह बंद हैं। तो अभी इधर से हकीकत देख के उनसे दवाई वगैरह ले आते हैं, ठीक है, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे अपने घर की जानिब। ओके यार, आपने कोई चीज़ लेनी हो तो ले लो। रिश्तेदार 100 का 1.5 किलो, 100 रुपए के रिश्तेदार दे दो। और ये इसका क्या रेट है? 180 रुपए किलो आपको रियायत कर देंगे, हुक्म करो कितनी। ये 1.5 किलो ये भी दे दो, लेकिन रियायत करनी है ये भी बार है, क्योंकि ये सब्जी होती है बड़ी ही ठंडी, रोज़ा रखने के लिए बड़े काम आती है माशाल्लाह। तो इसके बाद अच्छा अच्छा यार, ये अच्छे वाली डालना, ये जो है ना अच्छे वाली वो डालना, मैं वीडियो चला के खड़ा हूँ ऊपर आपके, जो ख़राब आएगी वो निकाल दूंगा। सारी सही है? चलें जी सारी अल्लाह करे सही हो। अच्छा 2 किलो 1.5 किलो? नहीं 1.5 किलो ज़्यादा नहीं, वो यार हम खाने वाले एक दो बंदे हैं, मेरी तबीयत ख़राब है बाकी एक बचता है। हाँ जी यार, भिंडी भी दे दो अपना 3 पाव। अच्छी है ना? हाँ हाँ। वो रंजीत तो नहीं है इसमें? नहीं नहीं। अच्छा चलें जी माशाल्लाह, भिंडी भी हो गई वो भी हो गई। अच्छा अपना मिसाला दे दो, अपना प्याज के अलावा 2 जगहों पर देना है। हाँ हाँ अलग अलग 2 जगहों पर।
जिसमें प्याज नहीं डालना, बाकी सारे आइटम डाल दे यार। 50-50 का कर दिया करो, गरीब बंदा हूँ। हाँ अच्छा जी, इसके बाद और क्या है, प्रदूषण माशाल्लाह बहुत प्यारे आ गए हैं। और इसके बाद और भी काफ़ी सारी सब्जियाँ अवेलेबल हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया जी, A1 हो गया। ये सब आपको माहौल कैसा लग रहा है, माशाल्लाह बड़ी दुकान लगाई हुई है भाई ने, और यहाँ पर पूरे चौक से ना माशाल्लाह इधर सब्जियाँ हमें रियायत से मिलती हैं। और दूसरी बात यह कि फ्रेश फ्रेश भी मिलती है, जो भी आप सब्ज़ी देख लें फ्रेश होगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, सारी सब्जियां फ्रेश हैं। और इस दुकानदार का नाम है इसहाक, ऐसे जी। तो जब भी आप आए इसहाक का नाम लेकर सब्जी लेनी है कि ये दुकान इसहाक की है या किसी और की है। वैसे चौक से थोड़ा साइड पे है, तो बैंक के पास ही खड़ा होता है भाई माशाल्लाह। तो इधर से सब्जी लिया करें, अगर कोई हमारे आसपास का देख रहा है तो इधर से सब्जी लिया करें, सस्ती मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर अपना दोबारा से पहुंच चुके हैं हम अपने इलाके में, ये आपको जंगल वगैरह नज़र आ रहे होंगे, हम जंगल में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमारी वो वाली आबादी नहीं है जैसे शहर होता है, जंगल में रहना भी बड़ा मज़े का है, ठंडी ठंडी हवाएं, ताज़ा हवा वगैरह वगैरह। हम लाइव शेर को देखते हैं, गिद्ध को, सांप को, हर चीज को लाइव। हाँ सांप से याद है, ज़ेनु सांप आया था क्या बाकी में? छोटा सा था वो, अच्छा वो छोटा बच्चा था, पैदाइश पैदाइश थी ताज़ी। अच्छा सांप तो था ना, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सांप था, उसको मैंने हाथों से मारा ऐसे। अच्छा चलो, मौत तो मारी ना ऐसे, उसकी बिरजी काट ली। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह, चलो बच गए, बच गए, अल्लाह का शुक्र है जी। घर पहुंच चुके हैं और बच्चे लोग भी हाजिर हो चुके हैं माशाल्लाह। तो वकार को एक चीज बोलते हैं, वकार आपने जाना नहीं है, इधर सामान पड़ा वो लेके जाना है, ठीक है? हाँ अभी वो अंदर गाड़ी अंदर जाएगी, फिर अभी गाड़ी अंदर लेके जा रही है जी। दरवाजा खोलो, दरवाजा दरवाजा ओपन हो रहा है जी, तक काल तो ठीक है यार। वो जब तक ओपन होगा आमिर तो निकल गया, ये देख आमिर निकल गया भाई, उसका फोन आ गया इमरजेंसी वाला, वो जा रहा है दरवाजा खोलने। वो देख बंदा है माशाल्लाह तेज है, इधर ही खड़ी करनी है आप। फोन करना बता दे, शोर थी ना? शोर नहीं 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 नहीं, शोर नहीं। वीवर अल्लाह का शुक्र है, दो टीके लग गए और आप तबीयत वैसे भी कुछ महसूस हो रहा है, बस सीने में दर्द हो रहा है हल्का हल्का, जाएंगे टैबलेट वगैरह खाएंगे तो फिर सेट हो जाएंगे अल्लाह पाक ने चाहा तो। अब आने दो भाई यार, आने दो इधर वो भी क्या करे, उसकी टेंशन बनी हुई है इधर, खोखा समेत 75,000 बेचारा टेंशन में है। चले जी कोई नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। आजकल ये सीधी नहीं कटती ना, ये आपने एक नहीं लगवाना था, ये वाला सामने वाला, या फिर इसका मेन दरवाजा बना के लगवाना था यार, ये ओपन हो जाता, कैसे ओपन हो जाता ना थोड़ा सा, फिर बुरा लगता गाड़ी। चल ये भी सही है, लेकिन अब गाड़ी हमारी पूरी आ जाती है, टेंशन नहीं, थोड़ी तंगी तो होती है। बंद कर इसको। चले जी माशाल्लाह, होली 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 करके ना, अल्लाह का शुक्र है। अहमद बाहर नहीं निकलना, एक बात पूछनी थी आपसे, वो जो आपके मोटर का बटन लगा हुआ है ना ऊपर, वो चेक वाला निज़ाम लगा हुआ है, कितने में लगवाया है आपने? ये 500-600 लग जाएगा। पक्की बात है? 400 लग जाएगा शायद, ये बटन बेच। हाँ जी, हर चीज ओके करके, ऊपर वाला वो नहीं, ऊपर वाला अलहदा मिले, वो तो 2000 का प्रति 1500 का मिलता है। वो तो वो है जो बैटरी, आप देखो ना वो खुद जल गया है, काला हो गया है धूप पे, लेकिन वो बैटरी उतनी चार्ज करेगा जितनी उसको जरूरत है, मतलब ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। हाँ जी। अच्छा अच्छा चलो, फिर ये मैंने लेना है यार, वो डर लगता है बैटरी है ना फट जाती है। चलो खैर, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। व्यूअर देखते हैं वो वाला निज़ाम जो सामने आप नजर आ रहे हैं ना अहमद भाई का, वो वाला देखे सामने, ये करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक के फजल करम से इधर रुक चुके हैं आप, हमारा जो सामान पड़ा है जो आपकी हो वो उठा लो यार, ये आपका है, ले जाओ ले जाओ, ये आपका है।
ये भी आपका है, ये भी ले जाओ। और कुछ? और बाकी सब ले रहे हैं, चले ले। अच्छा वो बकार किधर है? किधर है? उसको बुलाओ, ये हमारे घर में, और ये भी हमारे घर में, ये भी हमारे घर में ले चलो। चलो ये भी, हाँ ये भी, बस वो एक केले इसको दे दो। चलो हाँ चलो 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 चलो, माशाल्लाह जी। वीवर अभी अहमद भाई ने मुझे बुलाया था कि जल्दी जल्दी आ जाओ, इधर सरप्राइज होने वाला है। और सरप्राइज देखें, ये आ गया और साथ में ये भी बहुत सारे हैं, छोटे मोटे बड़े नन्हे मुन्ने सारे हैं माशाल्लाह। तो ये सरप्राइज की डिटेल मैं आपको बताता हूँ, अभी मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर घर वापस आ चुके हैं, और आज का जो मौसम है ये देखें, सूरज आपको क्लियर क्लियर नज़र आ रहा होगा, लेकिन उसके बाद जो मौसम है ये देखें, इतनी काला काला है बहुत सारा, और बदल वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये जगह बिल्कुल क्लियर है, ये सूरज वाली जगह, ये थोड़ा सा रकबा, ओके, बाकी फुल बटा फुल काला आंधी वाला बन चुका है। तो आप दुआ करें कि अल्लाह पाक ऐसे पक्की फसलों में अपनी रहमत और करम फरमाए कि बारिशें ज़्यादा ना हो, और हल्की हल्की हो जाए तो मसला नहीं है, लेकिन हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। और कहते हैं कि हर चीज़ में अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत मौजूद होती है, तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश दे और ज़्यादा बारिशें ना दे। ठीक हो गया, तो मज़ीद इंशाल्लाह बातें होंगी, अभी फ़िलहाल थोड़ी सी जाए। वीवर ये देखें, ये मैं ले आया था तरबूज़, लेकिन असल में बात यह है कि मैं थोड़ा भूल गया था कि इसको फ्रिज में भी रखना होता है। अभी चलते हैं, इसको फ्रिज में रखते हैं। आप सोच रहे होंगे मेरी अपनी फ्रिज है, उसमें मैंने क्यों नहीं रखा? उसका रीज़न यह है कि उन्होंने बोला है कि 6 घंटे आपने अपने फ्रिज में कोई भी चीज़ नहीं रखनी। तो अभी चलते हैं जी इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है? फिर साथ है जी। दरवाजा तो खोलो यार, खोल खोल दो। हाँ जी, ओके करो। ओके, इधर पहुंच चुके हैं जी। यार अहमद लगता भाई जान सारा देता तो रहा। हां ये रख दो फिलहाल सारा, ए वाला भाई जान आपका, ये वाला हमारा, ठीक है, हमारी फैमिली का। वो जो भी उठा लो, लेकिन ये फ्रिज में रखो, फ्रिज ठंडा के ना चलाओ। अच्छा फ्रिज में रख दो यार, मुझे भूल गया था, उस टाइम का रख देते ना। वो आपकी फ्रिज नहीं चला यहाँ पे? वो चल रही है, लेकिन वो उसको खाली रखना है ना 4-5 घंटों के लिए। अच्छा हाँ, फिर वो सही से कूलिंग पकड़ेगी। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि सब फिर आपसे सवाल करते हैं कि जब आपकी फ्रिज आ गई फिर क्यों आए रखे। वो पहली वीडियो में मैंने बताया है, पहली वीडियो में। हाँ जी भाई, ये रात को आप चीजें रख देना, आज रात से, आज रात। हाँ दुआ करो मौसम सेट रहे, बिजली आ गई तो फिर रख देंगे, वरना बिजली चली जाती है। मैंने कहाँ लगा? मुझे पता है, ये मैं इनको आके बात बोली, मैंने कहा यार कैसे लोग हो आप, फ्रिज के ऊपर कूलर पंखा रखा हुआ है। क्या करें यार, वो हमारे पास कूल नहीं। अच्छा ये दो तो आप जरूरत नहीं है, एक बेच दो बस। नहीं ये काम आती है, अब जब अफ्तारियाँ, अब पिछले रमजान में ना ये फ्रीजर अफ्तारियों के काम आया था, इसको चलाते थे, इसमें सारा फ्रूट बोतलें हर चीजें होती थी। और क्या पता यार कुल्फियां गोले कुल्फियां बनाएं और बेचें यार, बिल बिजली का बिल शायद निकल आए यार। चलो अगर हम गोलियां कुल्फियां बनाएं ना तो बिजली का बिल हम निकाल सकते हैं। ये बना देना, मैं बेच, अभी गर्मियां बेचना नहीं, यहाँ घर में सेल होती रहेगी यार। हम रहते थे यहाँ पे, हम बनाते नहीं थे, वो ले जाते थे। कल जब हमने वो थोड़ा सा सामान लेने जाना है ना, वो छोटे वाले गिलासिया ले आएंगे 20-25, ठीक है, फिर उसमें हम शाम को पानी भर के मीठा बना के रख देंगे। सही हो गया, जबरदस्त जी। इधर जो सेटिंग मेटिंग की जा रही है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी की जा रही है, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर, मौसम की नज़ाकत को देखते हुए हमने रिक्शे को बंद कर दिया है, ठीक है, इस पे कपड़ा वगैरह लगा दिया है, और वैसे भी मैं लगा देता हूँ क्योंकि मैंने सेकेंड टाइम ऐसे जाना होता है, जब शाम में आता हूँ तो लगा देता हूँ। और मौसम गरज भी रहा है, वो है गरज भी रहा है वीवर, तो आंधी भी आ रही है मुझे लगता है। चलो फिर आंधी आ रही है तो मैं आपको उधर असलम भाई के घर में चल के मज़ीद इसकी सारी लुक दिखाता हूँ मौसम की। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर, असगर भाई के जो घर है उसकी छत पे हम पहुँच चुके हैं, और मौसम अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है जी फसलें,
ब्राउन ब्राउन सोने की शक्ल की हो चुकी है माशाल्लाह। जहाँ तक नज़र जाती है ये देखें सारी फसलों का एक ही कलर हो चुका है, ग्रीन वाली खांसी कोई भी नहीं है। अभी जो बदल है आवाज़ें भी लगा रही हैं, तो दुआ करें कि अल्लाह पाक अपनी रहमत वाली बारिश दे। ये है जी फसलें और ये है जी मुहूर्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही हो गया, कैसा है हमारा गांव? आपने बताना ज़रूर है कि हमारा गांव कैसा लगता है इधर से। इधर से जब हम खड़े होकर देखते हैं तो फसलें बड़ी प्यारी, दिल ना ऐसे फ्रेश फ्रेश हो जाता है माशाल्लाह, आँखों को ठंडक मिलती है। ये देखिए वाह जी वाह माशाल्लाह। अच्छा तो वीवर मौसम तो काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है, अभी चलते हैं घर और बाकी का जो माहौल है वो घर क्योंकि संभालना पड़ता है। इफ्तारी का टाइम भी तकरीबन करीब है, थोड़ी देर बाकी है, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं फिर घर। ओके, दो परिंदे बैठे हैं, मैं वो आपको दिखा दूं। ये बैठी हैं दो लालियाँ, ये देखें वाह जी वाह। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर एक बार फिर पहुंच चुके हैं घर और तकरीबन मेरी फ्रिज को 4 घंटे तकरीबन होने वाले हैं, तो अभी इसकी कूलिंग वगैरह का अंदाज़ा लगाती हैं और देखते हैं कि इसकी कूलिंग हुई है कि नहीं हुई है। ये चाबी हमने उठा ली और इसको करते हैं अनलॉक। ठीक है, ये अनलॉक हो गई है, अब इसको करते हैं जी ओपन। क्या चेक करते हैं ना, एक मिनट चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह जी कॉफ़ी ठंडी हो गई है, वाकी 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 माशाल्लाह, गुड न्यूज़ जी। अपनी फ्रिज माशाल्लाह सही चल रही है। हाँ जी, और इधर एक रिमोट है पंखे का, ये वाला पंखा चल रहा है ना, उसका रिमोट है इधर कहीं पर, तो वो नहीं मिल रहा है। इधर उठाया था वकार अहमद ने, मुझे लगता है कि उसने कहीं पर फेंक दिया। यार आपको रिमोट का पता है, रिमोट का पता है आपको किधर है? नहीं पता, इसको भी नहीं पता जी। चलो ढूंढते हैं, देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर माशाल्लाह से बारिश हो रही है, ये देखें। ठीक है, बारिश हो रही है, उसने कच्ची पहनी हुई है, शूज़ नहीं पहना हुआ है और बारिश इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आप बारिश में नहीं ठहरो, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो वीवर माशाल्लाह एक और चीज़ बताऊँ आपको, वो सामने सूरज खड़ा है और बारिश भी हो रही है, कड़के भी हो रही है, और ये वाली साइड बिल्कुल वैसे की वैसी वेल है, और इस साइड पे जैसा कि पहले मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल सेम वही माहौल है, मतलब बारिश वाला माहौल इस साइड पे है और इधर से ही बारिश हो रही है। तो अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, नॉर्मल सी हो रही है। बस कड़के थोड़ा डराते हैं बंदे को, और कुछ नहीं होता, सिर्फ कड़के का थोड़ा मसला होता है यार, कड़के हो रहे हैं बड़े बड़े। हेलो, अंदर जाओ, अंदर बारिश में नहीं रुको, अंदर जाओ, अंदर ठहरो, बाहर नहीं आना बारिश में। इधर मैंने बैटरी दूसरी भी चार्ज पे लगाई, लेकिन जब दूसरी लगाई उस वक्त सूरज ढल चुका था। आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, कड़का यार, कड़का बड़ा कड़का आ रहा है यार, अंदर जाओ अंदर, कड़का आ रहा है, अंदर जाओ, अभी आ रहा है, 1 2 3, वो आ गया। बारिश होने की वजह से थोड़ा कम कड़का सुनाई देता है, गरज कम सुनाई देती है, वरना जिस कदर चमक हो रही है ना तो वो बड़े बड़े कड़के होंगे, बारिश की वजह से थोड़ा कम सुनाई दे रही है। चलो यार अंदर चलो, अंदर कड़के हो रहे हैं, शाबाश अंदर चलो। तो दूसरी बैटरी वो साइड पर रख दी मैंने और ये वाली चार्ज पर रखा दी, कल तक इंशाल्लाह छोटी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। फिर रिक्शे वाली जो बैटरी है वो न्यू है, वो ले आएंगे और उसको, और ये जो पहले वाली बड़ी रखी है इसको, दोनों को मिला के एक प्लेट लेंगे और उसके बाद फिर हम DC चलाएंगे अपनी फ्रिज को, पूरा दिन चलेगी इंशाल्लाह, बिजली की बचत और काम भी सीधा। ओके माशाल्लाह वीवर अभी फुल बारिश हो रही है, ये देखें गप भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो
हमारा ना ही किचन से पानी टपका है और ना ही हमारे उस कोठी से पानी टपका है, और कुछ कुछ चीज़ें मैंने ज़रूरत की वहाँ भी रख दी हैं। तो एक फ़ायदा तो हो गया है माशाल्लाह कि बारिश वगैरह में ना हम अपना सामान वगैरह इजीली थाम सकते हैं, मतलब यहाँ रख सकते हैं इस जगह में। और ये बारिश का होना भी बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह पाक की तरफ से कि पौधों को जहाँ पर खुशसालियाँ होती हैं चुलिस्तान में इधर उधर, तो वो सारी ओके हो जाती है। यार बाहर नहीं जाओ, बुखार आ जाएगा। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा माहौल बन गया है, अभी भी बारिश हो रही है ठीक है, बदलों की ये सूरत हाल है। और सूरज भी अपना मामूल के मुताबिक जा रहा है, नज़र भी आ रहा है। बस बारिश दुआ करेंगे ऐसे नॉर्मल नॉर्मल से हो जाए, बहुत है इंशाल्लाह। सही सुपर हो गया व्यूअर, अब तो पहले से भी ज़्यादा बारिश शुरू हो चुकी है। ये देखें ओए याला बारिश, या अल्लाह तो माफ़ कर, याला बारी हो रही है और थोड़ी थोड़ी सी हुई है, मतलब कहीं कहीं बल्कि अभी भी हो रही है। वो देखें या अल्लाह तो माफ़ फरमा। सिद्दीक बाहर नहीं जाओ, याला बारी हो रही है। मैं दो तीन चुन के ले आऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ, हैं तो छोटे छोटे बिल्कुल, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर मैं चुनने गया था लेकिन वो पानी की वजह से ना वो ख़त्म हो गया, मतलब जल्दी से पिघल गए, बिल्कुल बारीक बारीक से थे। अल्लाह पाक माफ़ करे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिद्दीक पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। बारिश इस कदर मोटी मोटी हो रही है ना, बहुत बहुत मोटी मोटी हो रही है। और याला बारी भी हल्की हल्की सी हुई है, अभी अल्लाह का शुक्र है कि अभी हो नहीं रही है, लेकिन ये जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर अपडेट हम लेंगे यूट्यूब से, टिकटॉक पे लोग वीडियो वगैरह डालते हैं तो पता चलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि कहीं पर ऐसा बड़ा मसला ना हुआ हो याला बारी का, अल्लाह पाक करम करे इंशाल्लाह। ये देखें ये साइड बिल्कुल क्लियर है, बस अब उम्मीद है थोड़ी देर तक मौसम क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ पर ज़्यादा बदल है ना वहाँ पर मसला मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हुआ होगा। तो आप सब ने भी दुआ ज़रूर करनी है कि पक्की फसलों में ना ऐसा ना हो। सिद्दीक पीछे हो जाओ, हेलो ओ डांसर पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। क्या है वहाँ पर बदल बने हुए हैं अंदर? क्या क्या ऊपर तो कुछ नहीं है, है? क्या बोल रहा है, क्या है वो बना वो? ये क्या है, बदल है, है? अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर पहुंच चुके हैं अहमद भाई के घर में माशाल्लाह। तो आज मेरा रोज़ा नहीं था, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने नहीं रखा, तो आज मैंने सोचा चलें देखते हैं इफ्तारी का इधर क्या प्रोग्राम है। सो तो भाई माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा बना। मेरी जगह किधर है बैठने की? ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह, ठंडा हो गया? चलो सही हो गया माशाल्लाह। तो जी यहाँ पर रतरता पानी भी है, रतरता तरबूज भी है, रतरता हिंदवाना भी है, और साथ में पकोड़े भी हैं। तो मेरी वाइफ बोल रही थी कि अब दो तीन पकोड़े ले आना, ज़्यादा नहीं बस दो तीन ले आना, काफ़ी दिन हो गए नहीं खाए ना, तो इसलिए मैंने सोचा चलो जाता हूँ, अगर मिलते हैं तो फिर ले आता हूँ। भाई दो तीन क्या ले जाओ, जितने लेना ले जाओ। वो हाँ यही मैं सोच रहा हूँ कि जितने चाहिए ले जाते हैं, अल्लाह खैर करेगा। अपना घर है, अपना खाना पीना, खाने पीने का कौन फ़र्क करता है, ये तो चलता रहता है माशाल्लाह। तो अभी यार दे दो प्लेट में ना, एक प्लेट में ना पकोड़े बना के ना अच्छे अच्छे दे दो, फिर मैं ले चलूँ। बाकी चीज़ें हमारी है सारी सिर्फ माशाल्लाह जी, पकोड़े मिल गए हैं अल्लाह पाक ने चाहा तो, अल्लाह पाक इनके रिस्क में बरकत देगा इंशाल्लाह। ये आने वाले वक्तों में देगे बनाएगा पकौड़ों की इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चलिए जी अभी चलते हैं क्योंकि ये तरबूज भी हमारे पास है पड़ा,
और खरबूज भी है पड़ा, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, बस ये पकोड़े नहीं थे, ये लेके चलते हैं खाते हैं इनको। और अजाने भी तकरीबन होने वाली है भाई जी जी। क्या टाइम हो गया? 6:32 हो गए। बस टाइम हो गया है, आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन हो गया। 3 मिनट रहते हैं, 3। चले जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, दुआ मांगते हैं। चले दुआ करें, आप दुआ मांगे और फिर मैं चलता हूँ। चले भाई चले शुरू करें, माशाल्लाह हो गई हैं अजाने, हो रही हैं माशाल्लाह। अभी शुरू हो गया। हाँ माशाल्लाह जी, ये देखें निज़ाम काफ़ी प्यारा बना दिया गया है, अल्लाह पाक के फजल करम से माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, खाना वाना भी हमने खा लिया है अल्लाह पाक के शुक्र से, आज मैंने थोड़ा सा खाना खाया और मौसम भी बिल्कुल सेट हो चुका है। और अभी हम बैठ गए हैं अपने बिस्तर पे और ये मेरा छोटा शहजादा पड़ा है, ये देखें। तो आज का जो व्लॉग है इसका यही पे एंड करते हैं, और जो सरप्राइज जो 1000 रुपीज़ वो 1000 होता है, 100 होता है, 1000 होता है शायद, अच्छा 10,000 रुपये जिसने भेजे हैं जी, आपका बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी आपका। तो अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे इंशाल्लाह। तो अभी हम सोते हैं और इसका काम वगैरह भी करना है मज़ीद। तो आज मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आपके इलाके में मौसम कैसे हैं ये भी ज़रूर बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।